हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त जय कंसारा। तो स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। आज जिस बाइक के बारे में बात करने वाले वो काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी लोगों के दिल पर छाई हुई है। तो आगे सिनेमेटिक्स में देख लो कि वो बाइक कौन सी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो शुरू करते हैं सीधे इसके डिज़ाइन से। तो आगे से कुछ ऐसी दिखती है, ये काफ़ी अग्रेसिव लुक है। मतलब आज भी ये लुक को देख के ना सारी बाइक्स के लुक फीके पड़ जाते हैं। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके जैसी कोई बाइक नहीं दिखती। और इसका जो आइकॉनिक ग्रीन कलर है, मतलब इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मिल जाता है वाइज़र, यहाँ पर नंबर प्लेट की फिटिंग, ये है टू वे एडजस्टेबल मिरर्स, यहाँ पर है इसकी हेलोजन हेडलैम्प्स। और ये बाइक के ओनर का यूट्यूब चैनल है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चेक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर इसका मडगार्ड और ऐसा कुछ है इसके टायर। यहाँ पर ABS की ब्रांडिंग है, डुअल चैनल ABS मिलता है इसमें। और ब्रेक्स के बारे में आगे बात करेंगे। और ये है ट्विन सिलेंडर का एग्जॉस्ट पाइप, उसके बारे में भी आगे बताऊँगा। तो ये राइट साइड से कुछ ऐसी दिखती है, काफ़ी ज़बरदस्त लुक देती है ये आज की डेट में भी। आज भी ये बाइक पुरानी नहीं लगती है। ये वाला जो गार्ड है ये आफ्टर मार्केट गार्ड है, ये कावासाकी का ओरिजिनल वाला नहीं है ये। और यहाँ पर जो है ये ब्रेक लीवर, एल्यूमिनियम फुटरेस्ट, पीछे भी एल्यूमिनियम फुटरेस्ट आपको मिल जाता है। ये है इसका लंबा सा एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट भी मैं आपको आगे सुनाऊँगा, सो स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। ये है इसका कुछ पीछे का लुक। टायर एक्चुअली इसका दूसरा लगाया हुआ है, टायर्स के बारे में भी बताऊंगा मैं आगे जाकर। यहाँ पर भी वैसा ही है, फुटरेस्ट है एल्यूमिनियम के। ये है गियर लीवर और यहाँ साइड्स हैं। इसमें ऑलरेडी ग्राउंड क्लियरेंस की कमी है, तो यहाँ पर डबल स्टैंड नहीं आता है। और लेफ्ट साइड से कुछ ऐसी लगती है ये। इसके जो टर्न इंडिकेटर से वो फेयरिंग के अंदर ही इंटीग्रेटेड है कुछ इस तरह से। और यहां पर साइड स्टैंड का सेंसर जरूर मिल जाता है, हालांकि यहां पर इंडिकेटर का इतना दिया, इंडिकेटर का कोई फैसिलिटी नहीं है साइड स्टैंड का। लेकिन हाँ, यहाँ पर साइड स्टैंड का कट ऑफ सेंसर ज़रूर मिलता है आपको। यहाँ पर मतलब 18-19 के मॉडल में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिलता है, ये पॉइंट टू बी नोटेड। तो अब यहाँ पर बात करेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है न्यूट्रल इंडिकेटर, चेक बैटरी वोल्ट इंडिकेटर, चेक ऑयल इंडिकेटर। और अगर राइट साइड में आए तो यहाँ पर आता है कूलेंट टेम्परेचर, चेक इंजन इंडिकेटर, और फिर ये मिल जाती है हमें ABS लाइट। और यहाँ पर जो है हाई बीम इंडिकेटर, राइट एंड लेफ्ट टर्न इंडिकेटर्स। बात करें इसके डिजिटल डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर, क्लॉक, फ्यूल गेज, ट्रिप ए, ट्रिप बी और ओडोमीटर। बस इसके डिजिटल डिस्प्ले में आपको और एक चीज़ मिलेगी, वो है इकोनॉमी का इंडिकेटर। वो यहाँ पर आपको दिखाएगा तीन डॉट्स में, ठीक ये स्पीडोमीटर के ठीक लेफ्ट साइड पर आपको तीन हेक्सागोन्स में बताएगा वो। अगर ऐसा कुछ दिखा रहा है तो समझ लेना आप इकोनॉमी मोड में चला रहे हो। तो अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो ये है कावासाकी निंजा का 296cc वाला BS4 फोर स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड वाला ट्विन सिलेंडर इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 38.4 ब्रेक हॉर्स पावर 11,000 RPM पर और 27 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क 10,000 RPM पर।
तो पावर तो बनता है आफ्टर ऑल इट्स अ कावासाकी निंजा एंड इंजन फील्स वेरी रिफाइंड एट हायर स्पीड्स। मतलब जब भी आप हायर स्पीड पर भी आप इसको क्रूज करोगे तो वाइब्रेशंस तो यार फील नहीं होते, ना के बराबर लगते। मतलब हालांकि पावरफुल बाइक है तो थोड़े बहुत तो आएंगे, लेकिन यार बहुत काफ़ी स्मूथ एकदम फील होता है। और गेयरबॉक्स के बारे में भी आगे बताऊंगा, ओनर का भी इस बाइक को लेकर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। उनका ये कहना है कि इंजन मतलब ये बेस्ट इन सेगमेंट है, बेस्ट इन क्लास है और काफ़ी रिफाइंड फील होता है हायर स्पीड्स पर भी। और हाईवेज पर तो मतलब तगड़ा मजा आता है इस बाइक को चलाने में। अब बात करते हैं इसके हैंडल बार्स के बारे में। तो लेफ्ट साइड पर आपको मिल जाता है हॉर्न, लेफ्ट एंड राइट टर्न इंडिकेटर स्विच, हाई बीम लो बीम, पास लाइट, यहाँ पर क्लच। और अगर राइट साइड पर आए तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इंजन किल स्विच और यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट। और अगर यहाँ पर नीचे आए तो आपको मिलता है 17 लीटर का फ्यूल टैंक, जो आपको अच्छी रेंज मिलने में काफ़ी हेल्प करेगा। वैसे अगर इसके माइलेज की मैं बात करूँ तो ये बाइक आपको सिटी में दे देगी 22 से 25 तक का माइलेज, और हाईवे पर अगर आप एक्सपेक्ट करो तो 25 to 28। और अगर आप और अच्छे से ड्राइव करो तो 30 या फिर 30 प्लस भी शायद दे देगी। 30 प्लस का कह नहीं सकता, पर हाँ 28 या फिर 28 से लेके 30 तक में आ सकता है अगर आप प्यार से चलाओ तो। अगर आप सोचो कि मैं रेव करके चलाऊंगा, तेज चलाऊंगा, तो ये बाइक माइलेज नहीं निकालेगी। वैसे ये बाइक माइलेज ओरिएंटेड है भी नहीं, तो माइलेज की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा भी मत रखना, 25 पकड़ कर ही चलो। तो अब बात करेंगे इसके गियरबॉक्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 6 स्पीड वाला गियरबॉक्स, और यहाँ पर एग्रेसिव डाउनशिफ्ट और अपशिफ्ट बहुत इजीली हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमें मिल जाता है वेट क्लच, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है और बेस्ट इन सेगमेंट है। गियरबॉक्स तो इसका बेस्ट इन सेगमेंट है ही। वैसे अगर मैं बात करूँ कि ये फर्स्ट गियर में कितनी स्पीड पर जाती है, तो ये बाइक जाती है 70 से लेके 80 प्लस भी जा सकती है। ये बाइक हायर स्पीड्स को अचीव करने में काफ़ी सक्षम है, लेकिन आप बेकार में ओवर स्पीडिंग मत कीजिएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप ओवर स्पीडिंग कीजिए अननेसेसरीली, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन। और अगर आप बाइक चलाएं तो प्रॉपर गियर्स और हेलमेट पहनकर बाइक चलाएं। तो अब बढ़ते इस वीडियो के मोस्ट अवेटेड पार्ट की तरफ। मैं जानता हूँ आप बहुत एक्साइटेड होंगे इस बाइक का साउंड सुनने के लिए। तो अब शुरू करने जा रहा हूँ मैं कावासाकी निंजा 300 पैरेलल ट्विन सिलेंडर को। सो लेट्स गो, जस्ट एक्सपीरियंस हाउ स्मूथ साउंड इट गिव्स। तो अब इसका साउंड मैं आपको प्रॉपरली दूर से सुनाता हूं। तो अब बात करते हैं कावासाकी निंजा 300 के ब्रेक्स के बारे में। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है डुअल चैनल ABS विद डुअल डिस्क। आगे वाली डिस्क जो है वो है 290mm की, और पीछे वाली जो डिस्क है वो है 220mm की। ब्रेक्स जो है यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन मिल जाती है, और जो कैलिबर्स है वो है एंड्योरेंस ब्रांड के 2-piston कैलिबर्स। ब्रेकिंग काफ़ी बेहतरीन है इस बाइक की, लेकिन जो पीछे वाला ब्रेक है उसकी जो बाइट है वो और अच्छी हो सकती थी मेरे हिसाब से। हालांकि फ्रंट की जो बाइट है वो काफ़ी तगड़ी है, लेकिन जो रियर वाला ब्रेक है उसकी बाइट थोड़ी मुझे कम लगी, बाइट और फीडबैक थोड़ा मुझे कम लगा, डिसेंट लगा। हालांकि आगे का ब्रेक काफ़ी ज़बरदस्त इंटीग्रेटेड है, तो ब्रेकिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्रेकिंग करने पर भी ये बाइक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, मतलब कोई नोज डाइविंग है ऐसा कुछ फील ही नहीं होता है।
तो अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। तो यहाँ पर आगे की तरफ हमें मिल जाता है 37 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी ज़बरदस्त है। और आपको स्टिफ सस्पेंशन यहाँ पर फील होंगे क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ हाईवे मशीन, तो इसका जो है स्टेबल रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अब बात करते हैं इसके पीछे के सस्पेंशन के बारे में। तो अब बात करते हैं इसके पीछे के सस्पेंशन के बारे में। तो ये है बॉटम लिंक यूनिट रैक विद गैस चार्ज शॉक, तो इसकी वजह से जो राइडिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाता है क्योंकि जर्क्स फील नहीं होते सीट पर। और काफ़ी ज़बरदस्त स्टेबल है इसके सस्पेंशन, आपको स्टिफर सस्पेंशन यहाँ पर फील होंगे क्योंकि ये एक ट्विन सिलेंडर स्पोर्ट्स बाइक है, तो पावरफुल भी है, तो उस हिसाब से उसके सस्पेंशन भी उसी तरह से इंटीग्रेटेड भी होंगे। सो आपको यहाँ पर स्टिफनेस तो थोड़ी बहुत फील होगी ही। वैसे कावासाकी है तो इतना कोई दिक्कत नहीं है, कावासाकी की बाइक्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं इसके टायर्स के बारे में। तो आगे की तरफ हमें मिल जाता है 110/70 R70 सेक्शन का टायर्स। और अगर पीछे की मैं बात करूँ तो पीछे का जो टायर है वो यहाँ पर लगाया हुआ है 150 सेक्शन का टायर, हालांकि इसका जो स्टॉक टायर आता है वो है 140/70 R17 सेक्शन के टायर्स। तो ये जो है आफ्टर मार्केट टायर है, 150 सेक्शन का टायर है, जो इसका स्टॉक टायर आता है वो 140 का आता है। तो जिस हिसाब से इसका व्हील है जो 150 सेक्शन का जो ये टायर यहाँ पे डाला हुआ है, उसके हिसाब से चेन भी डाली हुई है। ये चेन भी जो है वो स्टॉक चेन नहीं है, आफ्टर मार्केट और ज़्यादा मजबूत चेन लगाई गई है। अब जो है चेन को चेंज करने का ये रीज़न है यहाँ पर कि काफ़ी लोग टायर तो चेंज कर लेते हैं लेकिन उनको लगता है कि चेन वगैरह सब ठीक है चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंपनी जो चेन का स्ट्रेंथ लगाती है वो उसके टायर के सेक्शन के अकॉर्डिंग होता है, तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड होती है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। फिर ज़्यादातर लोग क्या करेंगे कि टायर तो बड़ा डलवा लेंगे लेकिन चेन पर ध्यान नहीं देंगे, फिर कहेंगे कि हमारी चेन स्प्रॉकेट जो है ख़राब हो गई है, चेन ख़राब हो गई। तो ये प्रॉब्लम इसी वजह से होता है कि आप जो है बड़े सेक्शन का टायर तो डलवा लेते हो लेकिन फिर वहीं पर चेन इशू करना शुरू कर देती है। तो अब जो इसका वेट है वो है 179 kgs, और इसकी जो सीट हाइट है वो है 785 mm, और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 135 mm। तो बात करते हैं इसके सीट के कंफर्ट के बारे में। तो सीट तो यार काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी कंफर्टेबल है, और यहाँ पर राइडर जो है वो एकदम अपराइट बैठता है, राइडर के कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पीछे वाली सीट है वो थोड़ी सी एक छोटी सीट है, तो पिलियन को कंफर्ट में दिक्कत हो सकती है, यहाँ पर पिलियन इतना ज़्यादा कंफर्टेबल बैठ नहीं पाएगा। हालांकि सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे हैं, और राइडर जो है वो टोटली अपराइट बैठता है, तो आप लंबे लंबे किलोमीटर्स इजीली चला लोगे इस बाइक को। वैसे इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 135 mm का है, लेकिन अगर आप सिंगल सीट चलो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी तो ये बाइक आसानी से निकल जाएगी, लेकिन अगर आप पिलियन के साथ चल रहे हो तो थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि ये बाइक बम्पर पर टच हो सकती है, और जो बड़े बड़े बम्पर होते हैं उन पर काफ़ी केयरफुल रहना आप, क्योंकि ये बाइक डायरेक्टली टच हो जाती है पिलियन सीट पर स्पेशली, सिंगल सीट पर इतना कोई दिक्कत नहीं देगी ये बाइक। अब बहुत से लोग इस बाइक को है ना डोमिनार 400 या फिर ड्यूक 390 से कंपेयर करेंगे, तो देखो उन बाइक्स के साथ इसका कंपैरिजन करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, डोमिनार और ड्यूक के लिए सही नहीं होगा। द रीजन इज दिस इज पैरेलल ट्विन सिलेंडर बाइक, ये टू सिलेंडर वाली बाइक है, और ड्यूक और डोमिनार जो है वो सिंगल सिलेंडर बाइक्स है। हालांकि पावर तीनों बाइक्स में अच्छी है, मुझे तीनों बाइक्स पावर के मामले में काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि इन तीनों बाइक्स का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो सिंगल सिलेंडर्स है, ये ट्विन सिलेंडर है, तो दोनों की पावर में भी आसमान ज़मीन का फर्क है, आप इन बाइक्स को कंपेयर नहीं कर सकते। दिस इज़ अ प्रॉपर ट्रैक बाइक, ये एक प्रॉपर ट्रैक बाइक है, ठीक है। अब जो लोग कन्फ्यूज हैं कि हमें डोमिनार कंसिडर करनी चाहिए, ड्यूक कंसिडर करनी चाहिए या फिर कावासाकी निंजा लेनी चाहिए, सो लेट मी टेल यू, अगर आपका बजट अच्छा खासा है, अगर आप बड़ा मेंटेनेंस जो है अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली गो फॉर निंजा।
क्योंकि देखो कावासाकी का जो सर्विस कॉस्ट है और इसके पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो नो डाउट बहुत ज़्यादा तो है, ज़्यादा है, लेकिन उसके पार्ट्स की क्वालिटी भी वैसी होती है, दे आर वेरी रिलायबल, और एक बार पार्ट्स डल गया ना तो वो सालों साल चलता है, दैट्स द डिफरेंस। और अगर आप थोड़ा और कम अगर आपको मेंटेनेंस चाहिए देन यू कैन गो फॉर ड्यूक। वैसे ड्यूक का मेंटेनेंस भी काफ़ी लोगों को ज़्यादा ही लगता है, और अगर आपको सबसे सस्ता ऑप्शन चाहिए, सबसे रिलायबल ऑप्शन चाहिए, देन गो फॉर डोमिनार। वैसे डोमिनार भी इतना ज़्यादा कोई सस्ता ऑप्शन है नहीं, उसकी भी एक सर्विस की कीमत 2000 तक जाती ही है, तो मेरे हिसाब से ड्यूक और डोमिनार का मेरे ख्याल से आसपास में होगा, इतना ज़्यादा कोई अंतर होगा नहीं। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप कंपैरिजन कर लो अपने हिसाब से, लेकिन अगर आपको एक सबसे अच्छा अगर सर्विस नेटवर्क चाहिए देन डोमिनार विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, रिमेंबर दैट। सो आई होप आप सबको ये वीडियो जो है पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो का अच्छा लगा। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना।